आप सभी बच्चे आठवीं क्लास पास कर चुके हैं, नौवीं क्लास में आ चुके हैं, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो बेटा अब इस साल जो है आपकी नाइन्थ क्लास का पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है, कुछ विषयों का सिलेबस चेंज हुआ है जिसमें मैथ भी चेंज है और नया सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ है। और हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क दो अपने स्टार्ट करवाएंगे। तो हमारा पहला जो हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो 11वां चैप्टर है मैथ का, जिसमें अपने को टॉपिक है प्रकार व पटरी की सहायता से कोणों की रचना करना। हो सकता है कि आपने छोटी कक्षाओं में प्रकार व पटरी से कोणों की रचना की हो, परंतु एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा आठवीं तक में कोई इतना जरूरी नहीं है, खैर नहीं बनाया तो भी चल गया, परंतु सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कि एक शब्द है यथासंभव। यथासंभव का मतलब होता है कि जो कोण प्रकार से बन सकते हैं वो कोण आपको एग्जाम में प्रकार से ही बनाने होंगे। अगर आप लोग उसे प्रकार से नहीं बनाएंगे तो वो क्वेश्चन शब्द ही गलत माना जाएगा, ये बाध्यता है। तो सबसे पहले हमें इसीलिए प्रकार और पटरी की सहायता से कोणों की रचना करना सीखना है। तो हमारे को अब हमारे बात में एक जहन में आती है कि कौन से कोण प्रकार और पटरी से बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है। अब ऐसा तो कोई मैथ में कोई तरीका नहीं है कि सर समय लेके देखिए मिट्टी है तो चांदे से बन जाएगी यानी डी से, खत्ती आई तो प्रकार से बनेगा क्योंकि प्रकार वाला थोड़ा टफ होता है, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। तो फिर क्या तरीका है इसके लिए, यह है कि मोटे तौर पर जो 15 डिग्री के पहाड़े में आते हैं वे सभी कोण प्रकार और पटरी से बनाए जा सकते हैं, या 15 के टेबल में आने वालों का हाफ कर दिया जाए या उनका 1/4 कर दिया जाए तो वे कोण भी प्रकार और पटरी से बनाए जा सकते हैं। तो प्रारंभिक तौर पर हम 15 के पहाड़े में जो आते हैं उन कोणों की रचना करना एक बार आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। 60 डिग्री के कोण की रचना कैसे की जाती है, आपने एक किरण खींचनी है। किरण कौन सी होती है, किसी रेखा का एक सिरा स्थिर हो और दूसरे सिरे से उसे अनंत तक बढ़ाया जा सके तो उसे किरण कहते हैं। आपने एक किरण की रचना करनी है, इस किरण के इस प्रारंभिक बिंदु पर यानी इसके स्थिर बिंदु पर आपने प्रकार, बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर प्रकार कितना घूमना है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती। मोटे तौर पर ऐसा होता है कि लगभग हाफ के करीब आप प्रकार खोल लेंगे तो डायग्राम थोड़ा सुस्पष्ट दिखेगा, अगर आप कम ज्यादा भी कर लेते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लगभग आप आधे के करीब यहां से एक चाप इतना प्रकार खोलते हुए एक चाप काटेंगे। इस चाप काटने के बाद इस चाप के इस प्रारंभिक बिंदु पर जितना प्रकार यहां था उतना ही हाथ से रखकर इस बिंदु पर प्रकार और यहां पर एक चाप काटेंगे तो यह 60 डिग्री के कोण होगा। यह पहला जो कोण आएगा इसको इस बिंदु को इससे मिला दिया जाएगा और इसको आगे बढ़ा दो किरण को, यह 60 डिग्री का कोण है। पहला 60 डिग्री का कोण आया और 60 के बाद हमें दूसरा कोण बनाना है 120 डिग्री का। आपने अपनी फेयर कॉपी के अंदर सिर्फ डायग्राम शो करने हैं, किसी की रचना नहीं लिखनी, डायग्राम बनाने हैं। पहला 60 सभी डायग्राम को अलग अलग बनाना है, दूसरा 120 का कैसे बनाया जाएगा वही तरीका, एक किरण खींचे, इस किरण के प्रारंभिक बिंदु पर प्रकार रखते हुए एक चाप काटे, चाप काटने के बाद अब जितना खुला था प्रकार यहां पर उतनी ही यहां से, पहली चाप 60, दूसरी चाप यहां से रखकर काटे यानी 60 कितना हो गया 120, इसको मिला दीजिए, ये 120 डिग्री के कोण की रचना इस प्रारंभिक बिंदु से मिला दिया जाएगा ये, और ये आपका 120 डिग्री का कोण हुआ। इसी प्रकार तीसरा अपने को बनाना है 180, 180 का कैसे बनेगा वही तरीका, सबसे पहले आपने एक किरण ड्रा करनी है, एक किरण खींचनी है, किरण खींचने के बाद इसी किरण के इस प्रारंभिक बिंदु पर उसी तरीके से एक चाप काटे, चाप काटने के बाद यहां से वही चाप 60 डिग्री, दूसरी बार 60 120 और तीसरी बार काटेंगे 60 60 60, 3 60 कितना हो गया 180 हो गया। अब इसको इससे मिला दिया जाए तो यह 180 डिग्री पर सरल रेखा बन जाती है, ये लीजिए 180 डिग्री का कोण, यह 180 का तीसरा आ गया 180, यानी हम तीन कोणों की रचना कर चुके हैं 60 डिग्री 120 डिग्री 180। अब हमारा चौथा है, हमें बनाना है 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण कैसे बनेगा कि सबसे पहले हमने वही तरीका, एक किरण खींचे, इस किरण के इस प्रारंभिक बिंदु पर एक चाप काटे, 60 डिग्री के कोण की रचना करेंगे पहले। 30 का बनाने के लिए मैं 60 डिग्री के कोण की रचना और इस 60 और इस 30 का आधा कर दिया, हाफ कर दिया जावे तो 30 डिग्री। हाफ कैसे करना है, ये जो किरण है ये जो
चाप थी, इस चाप के इस बिंदु पर लगभग इतना या इसका आधे से ज्यादा चाप यहां से इतना ही प्रकार खुला हुआ इस 60 वाले बिंदु से काट दें, और जहां दोनों चापे कटेगी इसको इस किरण के प्रारंभिक बिंदु से मिला दिया जाएगा, तो ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का प्राप्त होगा, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का, 30 का बनाने के लिए 60 की चाप कटेगी, 60 और 0 का आधा करने पर जो कोण प्राप्त होगा वो 30 डिग्री होगा। अगला डिग्री का कोण की रचना करनी है, 90 डिग्री के कोण की रचना कैसे होगी, आपने एक किरण खींचनी है, इस किरण के प्रारंभिक बिंदु से एक चाप काटनी है, उसी तरीके से चाप काटने के बाद पहली चाप यहां से काटेंगे 60, दूसरी काटेंगे 120। ये 60 है, ये 120 का है, तो 90 कहां आता है, 60 और 120 को जोड़ें तो कितना होता है, 180, 180 का आधा कर दे तो कितना हो जाएगा, 90। यानी 60 डिग्री वाले कोण और 120 के बीच में इनका हाफ करना है, हाफ करने के लिए इन दोनों कहीं भी प्रकार रखकर आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर चाप, इतना ही यहां से चाप, जहां दोनों चाप कटेगी वो 90 डिग्री के, और इसको बिल्कुल सीधा मिला दिया जाएगा तो ये 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ये 90 डिग्री के कोण की रचना हुई। इसके बाद अगला जो हमें कोण बनाना है वो 150 डिग्री का बनाना है। 150 का कैसे बनेगा, आपने किरण, इस किरण के प्रारंभिक बिंदु से फिर एक चाप, फिर यहां से आपने 60, 120, 180। अब 150 कहां आएगा, 180 और 120, 300 का आधा करते हैं तो कितना होता है, 150, तो 120 और 180 का हाफ करना है, यहां पर प्रकार आधे से ज्यादा खोलते हुए चाप, एक यहां से चाप, जहां दोनों चाप कटेगी इसको मिला दिया जाएगा, यदि ये कोण कितने डिग्री का प्राप्त होगा, 150। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने प्रकार में पटरी की सहायता से अपनी फिर कॉपी के अंदर 6 कोणों की रचना करनी है, जो 6 कोण कौन कौन से कोण है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, ये 6 कोण आपने करने हैं। अगली चर्चा के अंदर इनके अलावा आगे के कोणों की रचना करेंगे।